मेरठ में एक आईपीएस पर पत्नी ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। पत्नी ने मारपीट, जानलेवा हमला और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर लोचंदी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि पति उससे बुरी तरह से पीटता है और दहेज में 5 करोड़ रुपए की मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण ससुराल में उसका उत्पीड़न हो रहा है। देखिए प्राइमा फेसी जिस महिला के साथ मारपीट कारित की गई, वो महिला मेरे समक्ष आई थी, मुझसे मिली थी, और जो फोटोज़ हैं वो अपने आप में एक सफिशिएंट एविडेंस हैं कि उसके साथ इस तरह की घटना कारित की गई, उसके साथ मारपीट भी की गई है। इस संबंध में जो घटना है वो गुड़गांव में कारित की गई, जैसा कि जो संबंधित महिला है उसके द्वारा बताया गया। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसके पति के द्वारा, जो एक आईपीएस ऑफिसर है, उसके द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई है। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान ले लिया है और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि अगर इस तरह की जो एप्लीकेशन है उसको प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे भी लिखा जा सकता है और जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहाँ भी लिखा जा सकता है। तो इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस हैज़ टेकन द मैटर इनटू कॉग्निजेंस एंड सफिशेंट एविडेंस के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को सुना जाएगा, जो सही है वो किया जाएगा। सर कहाँ पर तैनात है आईपीएस? हाँ, FIR दर्ज कर लीजिए, कॉग्निजेंस मतलब FIR दर्ज हो गया। सर ये आईपीएस कहाँ पर तैनात है? थैंक यू।